सो हेलो गैस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गैस मिथुन मैकेनिक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जितना भी बेसिस का पल्सर है, जितना भी गाड़ी है बेसिस का, उसको प्रॉब्लम बिना ओबीडी स्कैनर का मदद से कैसे उसको सॉल्व करने होता है, ठीक है। तो बिना ओबीडी स्कैनर का मदद से उस गाड़ी बेसिस का गाड़ी को कैसे सॉल्व करता है, और उसका जो इंजन चेक लाइट जो जलने लगता है उसको रिमूव कैसे करें, वो भी मैं आज मैं आप लोगों को दिखाना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इसका सेंसर का क्लिप ओपन करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, जो उसका जो चेक इंजन लाइट उसमें ब्लिंक करता है कि नहीं, ठीक है। मैं गाड़ी को सबसे पहले बंद कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं जो TPS सेंसर लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं नया TPS सेंसर लगा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको एक सेंसर का क्लिप ओपन करके आप लोगों को सर्किट को ओपन करके आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, जो चेक इंजन लाइट जलने से बिना OBD स्कैनर का मदद से इसको चेक इंजन लाइट को कैसे बंद करना होगा, कैसे बंद करता है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो एंड तक बने रहे। तो आप लोग देख रहे हैं इसका जो ये सर्किट टू है ना, ये सर्किट को हम ओपन करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये ऑयल टेम्परेचर का सर्किट है, ठीक है। इसको अभी हम ओपन करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। पानी भी घुस गया था, बहुत सारा पानी भी। तो इसको हम ओपन कर दिया है, अभी मैं आप लोगों को चाबी ऑन करके दिखा रहा हूँ। चाबी ऑन कर दिया है और चेक इंजन लाइट जल रहा है, अभी सेल्फ का प्रेस करूँगा। गाड़ी स्टार्ट हो गया है और चेक इंजन लाइट देख रहे हैं गैस, ये चल रहा है, लेकिन ये अभी बंद नहीं होगा। अगर मैं उसको क्लिप को लगा भी देऊंगा, उस क्लिप को अगर लगा भी देता हूँ हम, तो ये बंद नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। लाइव प्रोसेस में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। बंद कर दिया गाड़ी को, अभी इस क्लिप को अभी हम लगा रहे हैं। देख रहे गैस, अभी क्लिप को लगा चुका है और चाबी को ऑन कर दिया है और गाड़ी को सेल्फ में प्रेस करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं गैस, अभी ये चेक इंजन लाइट बंद नहीं हुआ है। तो गाड़ी को स्टार्ट देने के साथ साथ ये चेक इंजन लाइट जो है चला जाना चाहिए, तो अभी तक भी चला नहीं जा रहा है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग गाड़ी को सर्विसिंग करता हो शोरूम पर, अगर किसी भी मैकेनिक इसका जितना भी सेंसर है उसका क्लिप अगर ओपन कर देता है, तो उसके बाद तो इधर में जो है ना चेक इंजन लाइट का वर्किंग शो करने लग जाता है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट में है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है। तो इसका बंद करने के लिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ इसका एक स्टेप, ठीक है। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं जो इस चेक इंजन लाइट को हम लोग बिना ओबीडी स्कैनर का सहारे हम लोग इसको बंद करना होगा। तो हम लोग किस तरीके से बंद करता है तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो बिना ओबीडी स्कैनर का मदद से हम इसको चेक इंजन लाइट को रिमूव कर देगा, ठीक है। आप लोग देखते रहे किस तरीके से रिमूव करना होगा। इसका जो चाबी है, चाबी ऑन करके सेल्फ मारने होगा 5 बार, फिर ऑफ करना होगा, फिर ऑन करना होगा, फिर ऑफ करना होगा, फिर ऑन करना होगा, सेल्फ मारता रहना होगा। तो इस तरीके से हम जैसे कर रहे हैं उस तरह से आप लोग देखते रहे, उस तरह अगर आप लोग कर देगा तो आप लोग को भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, देख रहे गैस अभी ये रिमूव हो चुका है। देख रहे अभी पूरा का पूरा रिमूव हो गया है, अभी गाड़ी स्टार्ट में भी है। देख रहे इस तरह से आप लोगों को रिमूव करना होगा, ठीक है, बिना ओबीडी क्या स्कैनर का मदद से। तो ये रहा मेरा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो देख के। अगर आप लोगों का अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर मेरे चैनल में आप लोग नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो फाइनली गाइस, बिना ओबीडी स्कैनर के मदद से आपको ये चेक इंजन लाइट किस तरह से रिमूव करता है वो मैं आप लोगों को दिखा दिया। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का गाड़ी का प्रॉब्लम आ जाता है, तो सबसे पहले आप लोगों का इस तरह से अगर चेक इंजन लाइट जो है ना, हम बंद करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये चेक इंजन लाइट अगर जलने लगता है तो आप लोगों को सबसे पहले इस चेक इंजन लाइट को रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद उसका बाद अगर नहीं जाता है इस चेक इंजन लाइट, उसके बाद ही आप लोग का
उसको चेक करने होगा, देखने होगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, ओवरी स्कैनर का मदद से आप लोगों का चेक करना होगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ओवरी स्कैनर नहीं है तो ओवरी स्कैनर नहीं होने से इसको कैसे चेक करना होगा, कैसे ठीक करना होगा, इसका प्रॉब्लम क्या है, बीमार क्या है, तो आप लोगों को तो पता नहीं होगा, तो इसके कैसे चेक करें बिना ओवरी स्कैनर से, ठीक है। तो उसको भी मैं जल्दी ही ले आता रहूँगा नया वीडियो आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।